गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास इस स्टोरी में हमने क्या देखा था स्टोरी का नाम क्या था टेल ऑफ टू बर्ड्स था ना टेल ऑफ टू बर्ड्स एंड इन दिस स्टोरी वी हैव डन इन द फोर्थ क्वेश्चन फोर क्वेश्चन हमने कर लिए हैं आई होप यू सब ने आपने कर लिए होंगे फोर क्वेश्चन है ना तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आपको इन वर्ड्स को देखने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आप कॉपी में लिख रहे हैं तो आप क्या करिएगा इस वीडियो को पॉज करिए यहीं पर और इसका स्क्रीन ले लीजिए ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन वर्ड्स को जूम करके आप इन वर्ड्स को क्लियरली देख सकते हैं ओके तो यहाँ तक की बात थी नाउ वी डिस्कस द फिफ्थ क्वेश्चन ओके फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव ठीक है तो ऋषि ने टू बर्ड्स के बारे में जो भी उनका बिहेवियर था उसमें क्या क्यों डिफरेंट था ये चीज़ बताइए अब क्यों बताइए आप सब जानते हैं क्यों वो दोनों बर्ड्स डिफरेंट बिहेव कर रही थी एक जो बर्ड थी वो अच्छा वाला गुड बिहेवियर कर रही थी और एक बैड बिहेवियर कर रही थी है ना क्यों कर रही थी आप सबको पता है क्योंकि वो क्या थी बचपन से ही गुड लोगों के साथ रही थी और एक जो थी वो बचपन से बैड लोगों के साथ रही थी तो दैट्स वाई दे बिहेव डिफरेंटली ये तो इसका आंसर था अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में आंसर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम द किंग टोल द ऋषि अबाउट द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ़ टू बर्ड्स किंग ने क्या बताया कि ऋषि को बताया कि कैसे वो दोनों बर्ड्स अलग अलग बिहेवियर कर रही हैं देन द ऋषि एक्सप्लेन तब ऋषि ने एक्सप्लेन किया द फर्स्ट बर्ड रिपीटेड द वर्ड्स ऑफ रॉबर्ट्स जो फर्स्ट बर्ड है वो हमेशा क्या करती है रॉबर्ट्स की बातों को रि, रिपीट करती है और रॉबर्ट्स आपको वर्ड मीनिंग में भी बताया गया कौन होते हैं चोर होते हैं तो जो जो रॉबर्ट्स बोलते हैं वो उसी बात को रिपीट करती बट द सेकेंड बर्ड रिपीटेड बट जो सेकेंड बर्ड है वो किसकी बातों को रिपीट करती रही हमेशा वर्ड द हेअर्ड आश्रम जो भी सेंट लोगों ने कहा आश्रम में आप जानते हैं कि बहुत अच्छे ऋषि मुनि रहते हैं ना तो उसकी बात को हमेशा रिपीट करती रही देयर डिफरेंट वे द रिजल्ट ऑफ कंपनी ये ये जितना भी इनका बिहेवियर था किसकी वजह से था इनकी कंपनी की वजह से यानी कि जिनके साथ भी ये रहते हैं इनकी वजह से ये डिफरेंट बिहेवियर हमारा कर रही थी ठीक है ये इसका आंसर हो गया और लास्ट क्वेश्चन इज सो इजी क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम ऑफ द स्टोरी कौन सी लाइन इस स्टोरी का मॉरल बताती है तो यू हैव थ्री ऑप्शन इन दिस तीन क्वेश्चन है आपके पास और जो सही आंसर है उसको आपने टिक करना है ठीक है तो देखिए कौन सा आंसर सही होगा अ बर्ड इन हैंड इन वर्स टू इन द बर्श ये गलत है ठीक है वन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स इंसान जिनके साथ रहता है जिस संगत में रहता है वो वैसा ही बन जाता है तो हमने ये स्टोरी के बीच में भी ये लाइन पढ़ी थी तो इट मीन्स कि सही आंसर कौन सा है सेकेंड वाला ठीक है वन इज़ नोन बाय द कंपनी ही केप्स ओके तो यहाँ पर तक आप क्या करेंगे इन क्वेश्चंस को लिखेंगे और लर्न करके ठीक है अपनी रफ कॉपी में बार बार इन वर्ड्स की इन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस करेंगे ठीक है ओके